आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक अपने एयरफोन का जैक कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक जैक की ज़रूरत पड़ेगी। इस प्रकार अब मैं आपको बता दूँगा कि कोडिंग क्या होती है। ये जो आपको दिख रहा है, ये होता है लेफ्ट वायर जो ना कि इसमें यानी कि इधर से ये वाला, और ये होता है राइट लेफ्ट राइट, और ये ग्राउंड तीसरी वाली ग्राउंड, और ये माइक के लिए यूज होती है। ठीक है, ये है लेफ्ट राइट ग्राउंड और ये है माइक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने एयरफोन के जहाँ पे जैक लगा है वहाँ पे इस प्रकार से आपको ये तारें निकाल लेनी है। और आपको क्या पता है कि कौन सी जो तार है वो कहाँ पे जैक लगेगी, तो इसके लिए आपको ये माइक सिस्टम आपको फोन खोल लेना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी तार कहाँ पे जुड़ी हुई है। जो वैसे रेड तार होती है जनरली वो माइक के लिए यूज़ होती है, ब्लू तार लेफ्ट के लिए, येलो तार ग्राउंड के लिए, और ये राइट के लिए। तो इसमें तो कुछ दिखा दिया हुआ है नहीं जिससे हम वेरीफाई कर सकें। तो सीधा ही देख क्या देखिए कि रेड वाली तार सीधा कहाँ जा रही है। देखिए ये माइक पे जा रही है, मतलब रेड वाली माइक है, और ये येलो वाली सीधा इस तरफ जा रही है आउटपुट की तरफ, मतलब ये है ग्राउंड, और ये जो आपको ब्लू और ग्रीन नज़र आ रही है ये है लेफ्ट और ये है राइट वायर। अगर आपको ऐसे ना पता चले तो मेरे पास एक पुराना मॉडल है जिस पे लिखा होगा, इस जगह पे लिखा होगा इसकी, इधर देखिए यहाँ पे L लिखा हुआ है, यहाँ पे R लिखा हुआ है, और यहाँ ग्राउंड लिखा हुआ है, और यहाँ पे राइट लिखा हुआ है R L, और ये ग्राउंड है और ये लेफ्ट है। तो इसमें जो जो तारें लगी हुई वैसे ही आपको इधर ज्वाइन कर देनी है। इसी प्रकार यहाँ पे लिखा होगा RLGN जो भी इसकी कोडिंग है। ये मेरे पास एक पुराना मॉडल है। तो चलिए जैक की तरफ देख लेते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी लक्स लगा लेते हैं। और फ्लक्स लगने के बाद थोड़ी इस पे आपको ये लेनी है, और इस पर इसको कोई जलाने की जरूरत है नहीं। क्या कीजिए, आप सीधा अपनी फ्लक्स लीजिए और इसको हल्के हल्के इनको थोड़ी थोड़ी फर्स्ट पार्ट पर थोड़ी थोड़ी फ्लक्स लगा लीजिए जैसे मैं लगा रहा हूँ, और वायर लेके मैंने उस पर सोल्डरिंग कर ली है। और जो तार जहाँ पे आपने वहाँ माइक बॉक्स में जहाँ आपने देखी थी वहाँ पे लगा दीजिए। तो मेरी रेड वायर जो है वो माइक है, तो उसको मैं माइक वाली जगह पे लगा देता हूँ। और जो येलो वायर है मेरी वो है ग्राउंड, जो ब्लू वायर है वो मेरी है राइट, और जो मेरी ग्रीन वायर है वो है मेरी लेफ्ट। तो ये हो चुकी है, तो अब ये हमारी हो चुकी है। तो अब हम इसको जोड़ेंगे, उसके लिए आप एम सील का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं करता हूँ,
तो आपको ये बिल्कुल पार नहीं लेनी और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना। देखिए जो हमारी एम सी है वो मिक्स हो चुकी है, अब हम इसको स्टोव लगाएंगे। और अब इसको बराबर करने के लिए आप पता खोलिए और इसको क्लीन कर लीजिए। देखिए जो ये हो चुका है, और इसको आपको सिर्फ 10 मिनट के लिए छोड़ देना, और ये थोड़ी हार्ड हो जाएगी। फिर आप इसको यहाँ से फुल पार्ट में ऐसे करके कट कर लीजिए और यहाँ से भी फुल पार्ट में कट कर लीजिए। देखिए ये हमारा बन चुका है, और आपको इसे 15 से 20 मिनट तक आपको इसको ऐसे ही छोड़ना होगा ताकि ये सॉलिड हो जाए और फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।